ख्वाब सी जो जिंदगी है, तू भी ख्वाबों में मिली है। दिल का है तुझे छूना चाहूं, एक हवा सी तूड़ी है। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चिन्नाव वैली एजुकेटर पे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, सो दोस्तों आप हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। देखो यार, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकन को प्रेस करते हो तो आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें थोड़ी सी इनकरेजमेंट मिलती है। दोस्तों कर दो ना यार सब्सक्राइब, क्योंकि फ्री तो है ना, तो इतना सा काम कर दो। बाकी आप देखो, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 5। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और हम लोगों ने ये अपलोड कर भी दिए हैं। आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पे और वहां से आप ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, सारे सारे क्वेश्चन। आज क्या है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहता है कि आपको क्या करना है, चेक करना है कि 6 की पावर n कैन एंड, मतलब 6 की पावर n ये कोई नंबर है। 6 की पावर जैसे 1 हो गया है ना, तो 6 की पावर n कोई नंबर है, ठीक है। जैसे कि 6 की पावर n का मतलब पता है क्या हुआ, 6 की पावर 1 इसका मतलब 6 हुआ, 6 की पावर 2 इक्वल टू 36 हुआ है ना, तो 6 की पावर 3 इक्वल टू 36 × 6 है ना, इसको मल्टीप्लाई करके जितना भी आ रहा है। तो मतलब n क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। n आप 1 करते जाओ, 2 करते जाओ, 3 करते जाओ, तो 6 के ऊपर 1 2 3, मतलब 6 के ऊपर 1 2 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 के ऊपर n है, तो बोला उसने n क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3। तो 6 की पावर 1 2 3 4 5 6 जितने भी रखोगे तो ये नंबर कितना बनेगा, 6 की पावर के हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना n का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ऐसे करके आपका ये आएगा, ठीक है। तो 6 की पावर n कैसा नंबर होता है, या वो 6 हो सकता है, या तो 36 हो सकता है, या तो फिर 6 6 जा कितना होता है, 36, ठीक है, और 6 6 जा 18 18 और 3 21 216 हो सकता है, या फिर 6 की पावर 4 करोगे, क्योंकि नेचुरल नंबर ही तो करना है n की जगह। तो 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी आंसर आएगा तो आप लिख दो यहाँ पे, तो वो नंबर आएगा। तो बोलता है कि अगर 6 की पावर n कोई नंबर है तो उसके लास्ट में क्या 0 आता है ना। 6 की पावर n कोई नंबर है तो 6 की पावर n क्या इसका जो एंड होगा वो डिजिट 0 से होता है क्या, इसके लास्ट में 0 आता है क्या। भाई हमने देखा अभी तक तो आया नहीं। देखो 6 की पावर 1 करोगे तो 6 आएगा, तो लास्ट में 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। लास्ट में 0 मतलब ये देखो 10 है, तो लास्ट में 0 दिख रहा है, दिख रहा है। ऐसे ही बोल रहा है कि ये 6 की पावर n जो नंबर है तो इसके लास्ट में 0 आता है क्या। भाई पहले में तो नहीं आया, दूसरे में भी नहीं आया, तीसरा क्या आ रहा है, 216 आ रहा है, इसमें भी नहीं आया। अगर आप इसको भी करोगे ना, इसके लास्ट में भी 0 नहीं आएगा, इसके लास्ट में भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। सो दोस्तों ये चेक करना है आपको। तो ये बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है। सो दोस्तों आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 6 की पावर n ये एक नंबर है, तो बोलता है कि इसके लास्ट में अगर आप 6 की पावर 1 करोगे, फिर 6 पावर 2 करोगे, 6 पावर 3 करोगे, 6 पावर 4 करोगे, तो बोलता है कि इसके लास्ट में 0 आएगा क्या। तो दोस्तों आपको अपने नोट्स में ये वाली ये चीज ऐड नहीं करनी है, बट मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि 6 की पावर n इक्वल टू, मतलब n क्या हो सकता है, 1 2 3 4 करके अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करते जाओगे तो दोस्तों आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कभी भी इस नंबर के लास्ट में 0 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो लास्ट में 0 उस नंबर के लास्ट में आता है जिस नंबर के अंदर 2 फैक्टर होते हैं, है ना, कौन कौन से, मैं पहले आप यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। इफ दोस्तों देखिए, इफ अ नंबर एंड्स विद डिजिट 0 इट्स प्राइम फैक्टर्स मस्ट बी 2 × 5। दोस्तों जिस भी नंबर के लास्ट में 0 आता है,
जिस भी नंबर का एंड 0 के साथ होता है, तो उस नंबर में 2 और 5 के फैक्टर होना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी नंबर के अंदर 2 और 5 के फैक्टर नहीं होते हैं तो उसके लास्ट में 0 कभी भी नहीं आता। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे फिर? 2, 3 जा, इसका मतलब 6 के अंदर कौन से फैक्टर हैं? 2 और 3 के हैं, तो इसका मतलब ये नंबर कभी भी, इसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 × 5 के फैक्टर नहीं है। जिस नंबर के अंदर 2 और 5 के फैक्टर होंगे उस नंबर के लास्ट में पक्का क्या आएगा? 0 आएगा। दोस्तों मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? आप बोलोगे ऐसा नहीं होता है, तो देखो दोस्तों 2 × 5 कितना है? 10। दोस्तों 10 के लास्ट में, मतलब लास्ट में 0 पता क्यों आ रहा है? क्योंकि 10 के अंदर 2 और 5 के फैक्टर होते हैं। दोस्तों आप बोलोगे 10 के बाद किस में 0 आता है? 20 में। दोस्तों 20 के अंदर देखो, आप बोलोगे 4, 5 जा 20 होता है, तो दोस्तों 2, 2 जा 4 × 5, तो देखो 2 और 5 का फैक्टर इसमें भी है, इसीलिए 20 में 2 और 5 का फैक्टर होता है, इसलिए इसके लास्ट में 0 आ रहा है। दोस्तों अगर आप 30 की बात करें तो 30 में भी 2 और 5 का फैक्टर होता है, 2 × 5 × 3। दोस्तों देखो 2 और 5 का फैक्टर इसमें भी होता है, इसलिए 30 के लास्ट में 0 होता है। 40 में भी ऐसा होता है दोस्तों, 40 में भी 2 और 5 का फैक्टर होता है, 50 में भी 2 और 5 का फैक्टर होता है, 60 में भी 2 और 5 का फैक्टर होता है, इसलिए इन नंबर्स के लास्ट में क्या आता है। और इवन की जो 100 होता है ना, इसमें भी 2 और 5 का फैक्टर होता है, 2 और 5 का फैक्टर इसमें, मतलब जितने भी नंबर्स होती है ना, उन जितने भी नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट में 0 होता है, उन नंबर्स में 2 और 5 का फैक्टर पक्का होता है। इसलिए ये रीजन है कि जिस नंबर के अंदर 2 और 5 का फैक्टर नहीं होगा उस नंबर के लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो फिर बात क्या हो गई ना कि 6 को देखो भाई, 6 के अंदर ये ऐसा नंबर है इसके अंदर 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका, इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? बट दोस्तों देखिए, देखिए 6 की पावर n = 2 × 3, इसके अंदर कौन सा फैक्टर है? 2 और 3 का फैक्टर है। इसका मतलब जिस नंबर के अंदर 2 और 3 का फैक्टर होगा उसके लास्ट में 0 नहीं आएगा, जिसके अंदर 2 और 5 का फैक्टर होता है उसके लास्ट में 0 आता है। इस बात को पकड़ लो बस, अभी मैंने आपको करके दिखाया। तो जिस नंबर के लास्ट में 0 दिखे तो उस नंबर के अंदर पक्का 2 और 5 का फैक्टर आपको मिलेगा, लेकिन जिस नंबर के अंदर 2 और 3 का फैक्टर मिले तो इसका मतलब उसके लास्ट में 0 कभी भी नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? आप बोलोगे देयरफॉर 6 की पावर n cannot be, देखो दोस्तों ये थोड़ा सा लाइन लिख दो, समझ तो आ गई सारी। 6 की पावर n cannot be end with the digit 0 because it does not contain pair of 2 × 5। देखो दोस्तों 6 के लास्ट में 0 नहीं आएगा, आप सीधा बोल सकते हो कि इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा, इसका एंड 0 के साथ नहीं होगा, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो क्या है? 2 × 3 है, 2 × 5 नहीं है। Does not contain pair of 2 × 5. अगर 6 के अंदर 2 × 5 का पेयर होता तो हम बोलते कि 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, बट इसमें 2 और 5 का फैक्टर नहीं है तो इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। सो दोस्तों यही पूछा था कि आपको चेक करना है कि 6 की पावर n इस नंबर के लास्ट में 0 आता है कि नहीं आता। तो दोस्तों अगर आपको ट्राई करना है तो आप ये ट्राई कर सकते हो, कभी नहीं आएगा लास्ट में 0, कभी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अपने नोट्स पे ये वाला ऐड मत करना है ना, आप यहाँ से नीचे ये पूरे का पूरा ऐड कर सकते हैं और यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।